आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहन लाल, आज हम बात करेंगे कोरोना के बाद जो स्कूल खुले हैं क्या उनकी स्थिति है, क्योंकि जाहिर है एक साल के बाद स्कूल खुले हैं कोरोना की। आज हम एक बार से कहें कि आज वर्षगांठ भी है, आज ही के दिन पहला आंगनवाड़ी में हरियाणा में कोरोना लगा था, तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं, तो सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सोनल छाबड़ा जी हैं, जो प्रिंसिपल है जैन पब्लिक स्कूल की, और दूसरा हमारे साथ है मोनिका पंडित जी, ये भी स्वामी उमा भारती स्कूल की टीचर हैं। अब हम इनसे एक बार डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि जाहिर है एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, तो इनसे बात करना ये बनता है कि जो कोरोना के बाद स्कूल खुले तो इनके सामने किस तरीके की चुनौती है, क्या कुछ है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, सोनल छाबड़ा जी के पास मैं जाता हूँ। मैडम ये बताइए, आप तो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, एक साल के बाद स्कूल खुले हैं, काफी जद्दोजहद के बाद, खूब आंदोलन भी हुए हैं, तमाम चीज हुई है, किस तरीके के हालात और स्थिति है, क्या प्रॉपर बच्चे आने लगे हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि अभी आपको बताएं तो किस तरीके की स्थिति सोनल जी हैं, जो आप स्कूल जो चला रही हैं जैन पब्लिक स्कूल। देखो सर, अब जब एक साल के बाद स्कूल खुले हैं तो जब अब एग्जामिनेशन का टाइम है, अब कहीं जाकर सर स्ट्रेंथ ठीक होने लगी है। इवन प्राइमरी विंग में अभी भी पेरेंट्स डर रहे हैं, कोरोना स्कूल बच्चों को नहीं भेजना चाहते, उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन की सुविधा भी दी है। बाकी जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, 6 to 12 की तकरीबन स्ट्रेंथ ठीक है, अब वहां पर स्ट्रेंथ पूरी होगी, आके एग्जाम भी देना चाह रहे हैं। बाकी हम लोग एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं, जैसे सैनिटाइजेशन है, थर्मल स्क्रीनिंग है, सब चीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है स्कूल में। बट स्ट्रेंथ को रिकवर करने में फिर काफी टाइम लगा है हम लोगों को, बहुत टाइम लगा है। एग्जामिनेशन से पहले भी हमारी टीचर्स को मेहनत भी बहुत करनी पड़ी है बच्चों पे, क्योंकि ये जो एक साल का टाइम था जो बच्चे घर बैठे हैं, तो उनके लिए हम लोगों को, हमारे स्टाफ को काफी इन एग्जामिनेशन के लिए उनको तैयारी करवाने के लिए। जी जी आप मुझे सुन पा रही हैं? शुरू की डेज लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है मैडम जी के। मोनिका मैम के पास चलते हैं एक बार। मोनिका जी आप सुन पा रही हैं मुझे? यस सर। हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति आपके स्कूल में है, क्योंकि उमा भारती काफी पुराना स्कूल है, तो जाहिर है वहां भी बच्चे अब आने लगे हैं, क्योंकि +2 +1 वहां तक बच्चे हैं। किस तरीके का स्थिति देख रहे हैं बच्चों में अब आप वहां रहे हैं? हाँ जो सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअल में क्या है, जब से स्कूल स्टार्ट हुए हमारे स्कूल की जो सिचुएशन है काफी अच्छी है, पेरेंट्स भी काफी खुश हैं, बच्चे भी काफी खुश हैं। डेली स्कूल को सैनिटाइज किया जाता है, बच्चों को अलाउ नहीं है, और जो फूड एक्टिविटी है वो बच्चों को हमने अलाउ नहीं की हुई है। वाटर बॉटल बच्चे अपनी खुद लेकर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा हुआ है बच्चों में। क्लासेस में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग से बैठते हैं, और जितना स्कूल में रूम के अंदर कैपेसिटी है हम उतने स्टूडेंट्स को ही एट ए टाइम रूम्स में रखते हैं, और बिना मास्क के नहीं, शेयरिंग वगैरह बिल्कुल बंद की हुई है। इन दिनों एग्जाम्स चल रहे हैं, फाइनल 10th और 12th के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, उसके लिए भी हमने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। ग्रुप्स डिवाइड किए हुए, आज जैसे आज बच्चों का म्यूजिक का प्रैक्टिकल था, हमने 4 ग्रुप बनाए थे 25-25 स्टूडेंट्स के, और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया गया किसी भी सब्जेक्ट का है। तो प्रिंसिपल सर है, स्टाफ मेंबर्स है, पेरेंट्स है, सारे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, पेरेंट्स हमें हेल्प नहीं कर रहे, पेरेंट्स भी हमें काफी हेल्प कर रहे हैं। और इसके साथ साथ टीचर्स और प्रिंसिपल सर तो आपको मालूम ही है, बिल्कुल ही सोशल हैं, वो सब तरीके से पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि अभी भी आपको लगता है कि पेरेंट्स के दिलों में डर है कोरोना को लेकर के कोई अभिभावक परेशान हो कि मुझे बच्चा नहीं भेजना या बच्चा आने में आने का नहीं कर रहा? नहीं, बच्चे बिल्कुल भी आनाकानी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट देखा है पेरेंट्स ने, उसके बाद ही बच्चों को भेजना शुरू किया है, और हमारे यहाँ पूरी स्ट्रेंथ आ रही है। ऐसा नहीं कि कुछ एक पेरेंट्स हैं जो थोड़ा अवेयर है, डरते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके हैं, तो वो नहीं भेज रहे, अदरवाइज पूरी स्ट्रेंथ आ रही है। आपका बेटा खुद हमारे स्कूल में है, आप उससे पूछिए, प्रॉपर सारी चीजों का हम ध्यान रखते हुए स्कूल को चला रहे हैं।
और हमारे प्रीमाइसिस में ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को फेस नहीं करनी पड़ी है कि किसी पेरेंट्स को डर लगे कि हम स्कूल नहीं भेजे। पेरेंट्स खुशी खुशी भेज रहे हैं, बच्चे खुशी खुशी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ एक और जानना चाहेंगे, सोनल मैम हमारे साथ है, मैडम परिचय करा देते, पहले भी हमने परिचय कराया था, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सोनल जी आपसे बस जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में काफी बच्चे हैं, क्या वहां भी कोई अभिभावकों में डर या बच्चों में डर कोई देखा जा रहा है, या जो मैनेजमेंट है वो किसी को लेकर के प्रशासनिक तौर पे परेशानी कहीं? कोई भी परेशानी नहीं है, मैनेजमेंट के थ्रू भी पूरा सपोर्ट है स्कूल में, पूरी पूरी टाइमली लेंगे। मैं कहूंगी अगर हमारे पास 100% स्ट्रेंथ है तो 99% स्ट्रेंथ जो है वो हमारे साथ है, वो स्कूल में आके बच्चे अपीयर हो रहे हैं। प्राइमरी विंग में कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैं 1% की कैटेगरी में काउंट करती हूँ, जिनसे पेरेंट्स डर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिलवाया। अदरवाइज अभिभावकों को पेरेंट्स को हमारे पर, स्कूल के सिस्टम पर, हमारे स्टाफ पर पूरा के पूरा फेथ है। पूरा का पूरा उन्होंने हमारा सिस्टम चेक किया है, पूरा के पूरा सिस्टम उन्होंने देखा है कैसे हम लोगों ने इसको किया है। सैनिटाइजेशन के लिए पीओज लगाए जाते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए पीओज लगाए जाते हैं, बच्चों के लिए मास्क कंपल्सरी किए। अगर कोई बच्चा मास्क गलती से भूल भी जाता है तो स्कूल से मास्क प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा कोई भी डर अभिभावकों में स्कूल के सिस्टम को लेके नहीं है, दे आर फेथिंग इन आवर स्कूल सिस्टम, बहुत अच्छे से विश्वास कर रहे हैं। चलिए मैडम आप मुझे देख पा रही हैं? सोनल मैम मेरी तरफ आप देखिए। यस सर। जी। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा, देखिए कई सारे जगह से हमें जानकारी मिली, हम लोगों से मिले हैं, बच्चों से मिले हैं कि एक मनोबल, यानी कि जो टीचर से जो पढ़ाती थी उनका कहीं ना कहीं कोरोना के लंबा जो टाइम खींचा उसको लेकर के एक कहते लगाव जो होता है पढ़ाने की, जो इच्छा शक्ति होती है बच्चे की, जो पढ़ने की इच्छा शक्ति है, उसमें कहीं आप लोगों ने कमियां देखी हों? क्योंकि आपका सीधा जुड़ाव यानी कि बच्चों से है। मोनिका आपसे मेरा सवाल है, क्या इनको कहीं इस तरीके की नजर आ रही है चीजें? हाँ सर, कुछ जैसे बच्चे हैं जिनको ये फोन, ये मास्टरपीस जो फोन है, जो आईफोन वगैरह है, उनको नहीं अवेलेबल थे। तो उन बच्चों को शुरू से जब वो स्कूल आए हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो उनको थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनको स्टार्टिंग से लास्ट तक का पूरा वर्क हमने करवाया है। उसके साथ ये नहीं कि हमने मेहनत की, बच्चों ने भी मेहनत की है। मोनिका जी इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे किया, आपके स्कूल के अंदर बच्चों को मोबाइल बैन है और अब कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन ही सब कुछ करना चाहते हैं, जाहिर नहीं लगता एक बड़ा बदलाव होना चाहिए कि आप लोगों को अलाउ करना चाहिए, बल्कि आप लोगों में कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़े, वो खामियां कहीं नजर आई? हाँ जी, ऑनलाइन में थोड़े प्रॉब्लम ये आई थी कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को फोन अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि जैसे 3-4 बच्चे हैं, फोन घर में 2 हैं, एट ए टाइम 2 बच्चे पढ़ेंगे, 2 सफर कर रहे थे, ये प्रॉब्लम थोड़ी पेरेंट्स को फेस हुई, हमें भी। लेकिन उन बच्चों के लिए जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुए, वो आए, हमने स्टार्टिंग से लास्ट तक उनको पूरा काम करवाया, बच्चों ने भी खुशी खुशी हमारी हेल्प की, काम किया, पेरेंट्स ने भी पूरी इन्वॉल्व रहे और स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व रहे और टीचर्स भी इन्वॉल्व रहे। तो हमने स्टार्टिंग से लास्ट तक उन बच्चों की काफी हेल्प की, जिससे पेरेंट्स काफी खुश हैं और बच्चों को मोस्टली हमारे स्कूल में पूरी स्ट्रेंथ आ रही है। मैडम सवाल ये है कि कोरोना काल का क्या चेंज आप देख रहे हैं बच्चों में? जैसे आपने इंटरवल में देखा होगा बच्चों में, जैसे इंटरवल होता है आपके रिसर्च टाइम में, किस तरीके की क्या स्थिति रहती है बच्चों की? हाँ जी, एक्चुअल में हमने रिसेस बंद की हुई है, जैसे मॉर्निंग प्रेयर से पहले जैसे बच्चे आते हैं वो भी अलाउ नहीं है। बच्चों में एक ये एक्साइटमेंट है, वो खेलना चाहते हैं क्योंकि पूरे साल वो घर में बंद रहे हैं, यहाँ तक कि अपने घर से बाहर भी निकल नहीं पाते थे। तो उनमें एक ये एक्साइटमेंट ये है कि स्कूल जाएंगे, सबसे मिलेंगे, फ्रेंडशिप होगी और हम खेलेंगे, वो प्ले ग्राउंड में खेलना चाहते हैं। एक ये बच्चे इस काम के लिए बहुत काफी सफर किया उन्होंने पूरे साल, और बच्चा चाहता है कि हम बाहर निकले, ओपन एरिया में जाए। सोनल जी के पास हम चलते हैं। सोनल जी आप ये बताइएगा, आपका तो मेन जो स्कूल है सर्कुलर रोड के ऊपर है, शहर के अंदर है, हालांकि उमा भारती भी शहर के अंदर ही है, तो आपके पास शहरी तादाद सबसे ज्यादा है, किस तरीके से देखते हैं आवागमन, ट्रैफिक की व्यवस्था कहीं आड़े आ रही हो आपको या कोई और परेशानियां, जैसे स्कूल के अंदर का आपके तो बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा है, तो जैसे छुट्टी के वक्त या कहीं आपने देखा हो कि जो बच्चों का मन पढ़ने से ऊब गया हो या दोबारा आप उस पर हिचक लग रही हो कि मुझे फिर स्कूल जाना पड़ रहा है? नहीं सर, इवन मैं तो कहूंगी सिचुएशन रिवर्स है, बच्चे बहुत उत्साह के साथ स्कूल में आए हैं। हम लोगों ने 24 सितंबर से स्कूल खोले थे एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर क्लासेस 9 to 12। बच्चों में इतना जोश था, वो 6-7 महीने जो घर बैठ के आए हैं,
सबको ऐसा लगता था कि हम स्कूल जाएं, अपने फ्रेंड्स से मिलें, अपने टीचर से मिलें, और ये सबको ही पता है जो ऑफलाइन टीचिंग होती है उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। इसके बदले हम लोगों को मतलब काफी बच्चों में एक्साइटमेंट है आने के लिए। हमारे पास छह पीटीआई की टीम है और हाउस इंचार्जेस हैं जो कि पूरा के पूरा उनका अराइवल और डिपार्चर मैनेज करते हैं। बच्चे लाइन में निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से निकलते हैं, तो इसीलिए ऐसी कोई भी परेशानी हम लोगों को नहीं है। नहीं, अभी हमने देखा जैसे आपको ध्यान होगा पिछले जब, बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। सोनल जी आपने देखा होगा पिछली जब होली के बाद, होली का जो त्योहार था उसके बाद लॉकडाउन लगा और वही स्थिति कमोबेश थी है। कल आप ही की एक स्कूल की शाखा है प्रोडोजी स्कूल, उसमें एक इवेंट हुआ है यानी कि ब्रज महोत्सव आप लोगों ने मनाया है, कल आप भी वहां थी, मैंने आपसे भी वहां मुलाकात की थी। एक उमंग कहीं ना कहीं जो बंधे हुए थे, पहली बार होली का प्रोग्राम फिर आ रहा कोरोना के बाद, तो लोगों में ज्यादा उत्साह, पेरेंट्स भी हमने देखे कि अच्छी खासी संख्या में वहां पहुंचे थे। तो क्या लगता है हर आदमी एक दोबारा से बदलाव कहीं ना कि क्लोजअप यानी कि आए मिले वो लोगों के पास जाए इंजॉय ले। सर ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, वो तो फिर बच्चे हैं, हम लोग बड़े, हम सबको लगता है, सब लोगों को एक जगह पर बंद रहना अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है रूटीन वापस नॉर्मल होना चाहिए, हम लोग एक दूसरे से मिले, सोशल गैदरिंग हो, स्कूल खुले, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, बच्चे टीचर के साथ इंटरेक्शन करें, पेरेंट्स का टीचर के साथ इंटरेक्शन हो, ये तो बस नेचुरल है, ये ह्यूमन बींग है कि सब लोग उन्हें नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में वापस आना चाह रहे हैं। तो चलिए एक और चीज जान लें हम, सिलेबस को लेके कहीं कोई जैसे अब नया सत्र शुरू हो रहा है, सिलेबस को लेके भी कुछ पेचीदियां हैं क्या, कुछ आप लोगों के सामने चुनौतियां हैं कुछ जो नया सेशन शुरू होने जा रहा है एडमिशन सेशन गया है, इसमें तो हम लोगों ने खुद ही सिलेबस रिड्यूस कराया था, कुछ सीबीएसई ने कर दिया था 9 to 12 सिलेबस रिड्यूस, तो हम लोगों ने भी 1st to 8 क्लासेस में सिलेबस रिड्यूस करवाया था। अब नए सेशन में जो हम लोगों ने सिलेबस बाइफरकेशन किया है, अभी हमने पूरे सिलेबस के साथ दिया है, बताएंगे कि सेशन को कैसे लेके जाना है। अभी तक सर हम लोग पूरे सिलेबस के साथ चल रही हूँ कि 15 to 20 डेज टीचर्स को दे रही हूँ जो कि उनको पिछली क्लास का पढ़ाएंगे, वो कंसेप्ट जो उनकी लाइफ से रह गए हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो शुरू के 15 से 20 दिन हर एक टीचर को, हर एक सब्जेक्ट टीचर को इंस्ट्रक्शन दी गएगा, उसके बाद वो सब टीचर नई क्लास सिलेबस की निकल आए। जी 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 मोनिका जी आपके पास आता हूँ, क्या आपके पास भी इस तरीके की चुनौती है सिलेबस को लेकर के, क्योंकि नया सत्र जा रहा है शुरू होने जा रहा है, तो क्या जो अब नए एडमिशन जो आ रहे हैं क्या वो परेशानियां हैं आपके सामने, वो मांग कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सामने कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई, हमने कुछ एंट्रेंस टेस्ट लिए हैं, पेरेंट्स आए हैं उन्होंने अच्छे से दिया है, पूरा स्कूल प्रीमाइसेस देखा है, टीचर्स से मिले हैं, उन्होंने यहाँ की सारी फैसिलिटीज को देखा है, उनको समझाया है, तो वो काफी खुश हैं। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जैसे गवर्नमेंट ने उनका सीबीएसई ने 10th और 12th का तो वैसे ही सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, लेकिन हमने भी 8th क्लास तक का सिलेबस 2nd टर्म का ही किया है, फुल टर्म का नहीं किया है, जिससे पेरेंट्स को भी दिक्कत नहीं आई, बच्चों को भी अपनी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आई, क्योंकि सिलेबस कम होने से बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, दूसरा जो अब नए चैलेंजेस ये है कि जो नया सेशन शुरू होगा वो तो देखो फेस करना ही पड़ेगा, पर अब हम यही चाहते हैं कि नए सेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चों को कि उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़े, जो हम एक स्कूल में ऑफलाइन टीचर के सामने बैठ के क्लास में पढ़ सकते हैं वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता, इतना बच्चा जब तक टीचर को फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम आती ही है, तो जितना भी चाहे हम ऑनलाइन बहुत अच्छा करवा ले, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस है ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस को नहीं बीट कर सकती है। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस उसमें कहीं आपको जैसे आपने पढ़ाया कोरोना काल में जो पढ़ाया, हाँ जी ऑनलाइन आपने पढ़ाया, नेटवर्क की प्रॉब्लम कहीं आपको फेस करनी पड़ी? हाँ जी हाँ जी यस यस नेटवर्क की प्रॉब्लम हम अभी भी देख रहे हैं, अब हम आपसे बात कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी अभी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है आप देख रहे जैसे अब हमें कई पेरेंट्स तो जो अफोर्ड कर सकते थे वाईफाई लगवा लिया, हमने भी वाईफाई लगवाया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरूरी था, जो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते वाईफाई तो उनको थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम्स आई, तो फिर उनको कॉलिंग
करके बच्चों को कॉल कर करके हमने सारी चीजें उनको समझाई जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। तो आप मानेंगे नहीं, मैं 24 आवर्स मींस की फोन पर ही रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, पूरे स्कूल का सारा कुछ देखना करना, तो 24 आवर्स की आप मान लीजिए कि मैं बिजी रहती थी उन दिनों, हर क्लास की परेशानी को सुनना, सॉर्ट आउट करना और साथ साथ अपनी क्लासेस भी लेना। दूसरा कि जैसे फीस, कई बच्चों ने कहा पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये है कि हमने कुछ जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हमारे प्रिंसिपल सर ने उनकी फीस भी माफ की है, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, उन्होंने पूरे साल की फीस हमें दी है, लेकिन कुछ पेरेंट्स, कई बच्चे हैं नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो उनकी हमने फीस भी माफ की है। हालांकि सारे आसपास के एरिया में आप देखें रेवाड़ी में सबसे कम फीस हमारे स्कूल की है, उसके बावजूद भी हमने पेरेंट्स को मतलब हेल्प की, तो पेरेंट्स इसलिए भी हमारे से ज्यादा खुश है और वो हमारे स्कूल से बच्चों को कहीं नहीं ले जाना चाहते, उल्टा दूसरे पेरेंट्स को भी फोर्स कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में ही आए, और हमें पूरे साल फुल सैलरी भी मिली है। ये इशू आप भी रखिए। जी जी, एवर हम चलते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगी। जी जी, बोलिए 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 बोलिए, कंटिन्यू। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि सबसे कम ट्यूशन फीस हमारे स्कूल की है, सबसे कम एडमिशन फीस हमारे स्कूल की है, उसके बावजूद भी हमारे पूरे स्टाफ को कोरोना काल में फुल सैलरी मिली है, जैसे काफी स्कूल्स ने नहीं दी जो अफोर्ड कर पाते थे। एक चीज तो ये बेनिफिट अपने स्कूल का मैं ये जरूर शेयर करूंगी कि हमारे प्रिंसिपल सर ने किसी टीचर को नहीं निकाला, किसी को तंग नहीं किया, इवन वो फोर्थ क्लास था उसको भी एक्स्ट्रा पैसे देकर, सैलरी देकर हेल्प की है, और पूरे सराउंडिंग्स में हमारे स्कूल में कोरोना काल में सभी टीचर्स को फुल सैलरी मिली है, एक पैसा भी नहीं काटा गया। इसके लिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगी अपने। हाँ जी, आप सबको बताइए वाली बात। हाँ जी, आप ये बात आप सबको बताएंगे, ये आपके चैनल के थ्रू अभी ये सब चला जाएगा हमारे साथ। अभी हमने एक चीज और, एक चीज सर और कहना चाहूंगी, अब जो न्यू एडमिशन स्टार्ट हो रहे, हाँ कि अब जो तो हमने न्यू एडमिशन स्टार्ट किए हैं उसमें भी हमने फीस काफी कम रखी है, ट्यूशन फीस भी, एडमिशन फीस भी बहुत ही कम है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। चलिए चलिए सोनल जी, तो ये आप सबको बताएंगे हमारे स्कूल का। जी 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 जी, सोनल जी आप ये बताइए, जब आप नहीं, आपने जब ऑनलाइन पढ़ाया किस तरह की चुनौतियां रही, क्या नेटवर्किंग की प्रॉब्लम या लोगों के पास मोबाइल नहीं थे घरों में, किस तरीके की परेशानियों से दो चार होना पड़ा है आप लोगों को, या आपकी भी जैसे भी मोनिका बता रही है लोगों के साथ ही पेरेंट्स कुछ करती। देखे लगता है नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है। बोले हमारे टीचर्स ने भी ना सर व्हाट्सएप कॉल करके, नॉर्मल कॉल करके बच्चों के डाउट क्लियर किए हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे जहां पर की नेटवर्क के इशू रहे हैं, इवन स्कूल में मैनेजमेंट के थ्रू पूरा वाईफाई, पूरा के पूरा नेटवर्किंग का प्रोविजन प्रोवाइड किया गया था स्टाफ को, स्टाफ को क्लासेस देने में कोई नहीं आई, लेकिन पेरेंट्स को जगह जगह पे दिक्कत थी। जिस भी एरिया के अंदर, मनचंदा वाला एरिया था, दुर्गा मंदिर के पास वाला एरिया था, वहां के पेरेंट्स की बार बार कंप्लेंट थी, उन लोगों को हम लोगों ने फोन कर करके हमारे स्टाफ ने उनके डाउट क्लियर किए, क्लासेस बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करी गई है। और यहाँ पर मैं मैनेजमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी, उन्होंने स्टाफ को भी पूरी फैसिलिटी दी है, इवन सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका व्यू बड़ा सॉफ्ट रहा है स्टाफ के लिए, किसी भी स्टाफ मेंबर को स्कूल से निकाला नहीं गया, इवन जो सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर थे उन सबको फुल सर्विस दी गई है पूरे पूरे कोरोना काल में, उनका एटीट्यूड काफी सॉफ्ट रहा है मैनेजमेंट का हमारे स्टाफ के लिए, हम सब लोगों के लिए। चलिए मैं आप दोनों से लोगों ने इसके लिए फोर्स नहीं किया। सोनल जी और मोनिका जी, हमारे कार्यक्रम का अंत का समय हो रहा है, टाइम देखिए हमारे पास बहुत कम है। मैं ऑल ओवर पूछना चाह रहा हूँ, आपने अपने अपने स्कूलों को बता दिया, तमाम जो स्कूल है रेवाड़ी जिले के, क्या आप एक दूसरे से टच में हैं, किस तरीके की बारी बारी आप दोनों अपने अपने। हाँ जी सर, हमें रखे क्या रेवाड़ी के यही स्थिति है या वहाँ। जी नहीं नहीं नहीं, हम एक दूसरे स्कूल के साथ, जो ऐसे टीचर्स हमें जानते हैं, हमें जैन पब्लिक स्कूल के टीचर्स भी जानती है, सोनल मैम भी हमें जानती है, हम आपस में कॉन्टेक्ट में रहते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है,
तो वो हमें बताते थे, तो हम अपनी प्रॉब्लम बताते थे, तो हम एक दूसरे से मिलकर सॉर्ट आउट भी करते थे। जैसे कुछ टीचर्स की ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तो मैंने उनको सॉल्यूशन दे दिया, मुझे क्या फेस करना पड़ा है, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दे दिया, तो एक दूसरे के टच में भी रहे और काफी हेल्प किए। एक दूसरे स्कूल ने आपस में दूसरे स्कूल्स की भी काफी हेल्प की है, ये बात तो मैं कहना चाहूंगी। सभी स्कूल्स के टीचर्स की, प्रिंसिपल की, स्टाफ मेंबर्स की अप्रिशिएट करती हूं। हां जी, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। सब लोगों ने एक दूसरे से सर मैं यहाँ पर एक बार और कहना चाहूंगी, चैनल में हम लोगों का एटीट्यूड पेरेंट्स के लिए भी बड़ा सॉफ्ट रहा है। फीस सबमिशन के लिए अब न्यू सेशन में भी हम सबको एक अच्छा ऑफ दे रहे हैं पेरेंट्स को, फीस के लिए जो भी न्यू एडमिशन आ रहे हैं ड्यू टू COVID-19। लेकिन लेकिन मैडम ये दोनों का आपने हमने आप दोनों से सुना, लेकिन एक सवाल सवाल उठता है अभिभावकों को लेकर के आप लोगों का क्या एटीट्यूड रहा है, क्योंकि उनसे कई सारी शिकायतें हैं कि बच्चों को पेपर नहीं देने दिए जा रहे हैं, बच्चों को फीस मांगी जा रही है, दबाव बनाया नहीं, 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 नहीं सर उसको लेकर के अगर आप हमारे स्कूल के बारे में जान, नहीं नहीं हमारे स्कूल में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जी, सभी बच्चों को सर जिनकी फीस मेल थी उन सब बच्चों को अलाउड किया गया, कोई एक सिंगल बच्चा सर नहीं दिया हो, बिल्कुल जिन जो बच्चे बिल्कुल फीस नहीं दे पाए पूरा सर, वो सब बच्चे भी एग्जाम में अपीयर हुए हैं। जी जी हाँ, मोनिका जी कंटिन्यू आप। हाँ जी हमारे स्कूल में भी ऐसा हुआ, जिन्होंने फीस नहीं दी पाए वो भी ऑफलाइन आके एग्जाम दिए हुए, हमने किसी को मना नहीं किया, सभी बच्चे आ रहे, क्योंकि इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, पेरेंट्स की ऐसी सिचुएशन है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बच्चों का साल खराब होने नहीं देना चाहते हैं। तो ठीक है, हमारे प्रिंसिपल सर ने, स्टाफ मेंबर्स ने, सबने मिलकर उनकी हेल्प की है और उनसे फीस नहीं लिए, उल्टा उनकी फीस माफ की है कि बच्चे का साल ना हो, हमने बच्चे का फ्यूचर देखना है। पेरेंट्स की प्रॉब्लम जो है वो तो देखो चलती रहेगी, लेकिन क्या है कि बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सारी जो भी जैसे बुक्स है हमने फ्री दिए हैं उनको, ठीक है, और स्कूल में सारी चीजें उनको अवेलेबल करवाई हैं, कोई चार्जेस नहीं लिए हमने, लैब चार्जेस वगैरह, इवन कंप्यूटर चार्जेस भी पूरे साल के नहीं लिए हमने, सिर्फ ट्यूशन फीस ली है जो भी बिल्कुल मामूली सी है, और जो पेरेंट्स वो नहीं दे पाए हमने वो भी नहीं लिए, काफी हेल्प किया बच्चों ने, हमने ही नहीं काफी स्कूल्स ने किया। अंत में दोनों से आज जो कोरोना की वर्षगांठ है, क्योंकि हमारे यहाँ ताली और थाली बजी थी आज, एक दिन का कर्फ्यू लगा था और उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा था, दोनों से अंत में चाहेंगे किस तरीके से क्या कहेंगे इस वर्षगांठ को, किस तरीके से आप बधाई देंगे इसकी? बधाई है कि अब हम उनसे हाथ जोड़ेंगे, दोबारा भगवान ऐसी सिचुएशन किसी के सामने ना फेस करे, कभी भी नहीं आना चाहिए, कभी ये सिचुएशन जिंदगी में किसी को नहीं फेस करनी पड़े, हम तो यही भगवान जोड़ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दोबारा ये कंडीशन कभी भी नहीं आनी चाहिए किसी की लाइफ में भी, भगवान सबको ठीक रखे, स्वस्थ रखे, कभी नहीं आना चाहिए, हेल्थ वाइज सभी ठीक रहे। बाकी कोरोना काल से स्टाफ ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने बहुत कुछ सीखा कि ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपोजर, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है बच्चों को भी मिला, स्टाफ को भी मिला, ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है। हम लोगों को एक दूसरे की वैल्यू का भी पता चला, हमें अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर्स की वेटेज का पता चला, हम लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कॉन्शियस होने के लिए पता चला है, काफी पॉजिटिव पॉइंट भी रहे हैं। बाकी वो तो है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ जी वेटेज नहीं हो सकती, जो टीचर का ऑफलाइन इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, बट फिर भी ऑनलाइन एक्सपोजर। चलिए अंत में मैं अपना एक संदेश दे दूं कि आज हमने पहला प्रोग्राम शुरू किया है और आगे हम कंटिन्यू इसी तरीके से रखेंगे, और आप मेरी दोनों टीचर से अपील है, देखिए जाहिर है आप टीचर हैं तो शायद मैं तो भले ही पत्रकार हूं लेकिन आप प्रिंसिपल हैं और आप टीचर हैं तो मुझे बाई नेम आपको बोलना पड़ा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो आप हमें मदद ये कर सकते हैं, जो आपकी और साथी टीचर हैं उनसे आप कहें कि वो डिबेट में हिस्सा लें और हम एक नई सोच और नई लोगों के साथ हम लेकर के आए, तो आइए और आगे भी आप हमसे जुड़े लगातार इसी तरीके से, हम एजुकेशन से आपके भी कुछ सवाल हो, कुछ और बातें हो तो आप हमें अवश्य बताएं ताकि हम अपने, मुझे भी अच्छा लगा। हाँ सर, मुझे भी, मोनिका जी, मोनिका जी भी आपसे बात करके, हाँ जी जी सर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
हाँ जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सोनल मैम की बात सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, और आप जब जब बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। लेकिन एक आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूंगी, अभी भी प्रॉब्लम टली नहीं है, कुछ कम हुई है, लेकिन आप अपना ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जो जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट द्वारा बताई गई है सारे उसको यूज करें, अप्लाई करें, लापरवाही बिल्कुल नहीं करते। मैं सभी को हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, आपने प्रार्थना की, आगे हमारी प्रार्थना ये, आपके पास बहुत सारा स्टाफ है, तो हम चाहते हैं हमारे चैनल पे नए चेहरे आए, नए नए टीचर्स आए, और जो और मैं भी बार बार आना चाहूंगी। बिल्कुल सर, हम भी आना चाहेंगे, वो अपने स्टाफ को भी बोलेंगे आपके चैनल से जुड़ेंगे। और थैंक्स अ लॉट सर, बहुत अच्छा लगा हमें चैनल के ऊपर आकर आपसे बात करने की। हमारे सर स्कूल के जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, मैं चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू वो सब तक पहुंचे। कैसे मैनेजमेंट का भी पॉजिटिव। हाँ जी सर।